माँ गंगा व यमुना हिमालय महल में प्रवेश करती है। गोदावरी है ना? हाँ है तो, और मुझे लगता है कि वो दोनों भी हमारे विषय में यही चर्चा कर रही हैं। लगता है हमारी तरह ये भी पार्वती का श्रृंगार करने ही आई हैं। चलो। स्वागत है गोदावरी और कृष्णा का। आप दोनों पार्वती का श्रृंगार करने आई हो ना? आओ पार्वती का श्रृंगार करें। आज पार्वती का रूप तो अलौकिक होगा, देखकर हम सबकी आंखें धन्य हो जाएंगे। आओ चले। चलो रह गया। सारा श्रृंगार तो अप्सराओं ने ही कर दिया है। जिसका श्रृंगार अप्सराओं ने किया हो उसका रूप शब्दातीत वर्णनातीत तो होगा ही ना? ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु जी से निवेदन करना होगा कि वो शिव जी के अगल बगल में खड़े रहे, पार्वती का ये रूप देखकर कहीं उन्हें चक्कर ना आ जाए। माता लक्ष्मी जी, परमदेव ब्रह्मा जी और माता सरस्वती जी, आपका स्वागत नंदी करता है। भगवान शिव शंकर की जय। सदाशिव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम जिनकी जय बोल रहे हैं वे स्वयं कहाँ हैं? श्रृंगार कर रहे होंगे, किंतु उनके श्रृंगार की व्यवस्था के लिए तो हम आए हैं। नहीं नहीं माता, स्वामी ऐसा श्रृंगार नहीं करेंगे। विवाह करने जा रहे हैं, दूल्हा बनेंगे तो क्या श्रृंगार नहीं करेंगे? श्रृंगार ऐसा और वैसा क्या होता है? श्रृंगार तो श्रृंगार होता है, विवाह करने वाले हर दूल्हे को करना पड़ता है। आनंदी देवी सरस्वती सत्य कह रही है, यह एक ही तो अवसर होता है दूल्हे के लिए श्रृंगार करने का। सो तो है भगवान, जो भी करना धरना है भगवान भोलेनाथ को ही करना है, किंतु उनको श्रृंगार स्वीकार नहीं। तो क्या वे बिना श्रृंगार के ही दूल्हा बनेंगे? ऐसा तो होता नहीं कि दूल्हा और श्रृंगार न करे। अवश्य करेंगे, पर अपने अनोखे ढंग से। किंतु कैसे? भभूत से। नारायण नारायण, आहा भगवान भोलेनाथ की भूतपूर्ण भव्य भंगिमा कैसी अद्भुत लग रही हो। नारद, कभी कभी शुभ कार्य भी कर लिया करो। प्रभु आपका अभिप्राय क्या है? क्या मैं सदा ही अशुभ कार्य करता रहता हूँ? तर्क नहीं, कार्य करो। तुम्हें इसी समय हिमालय भवन जाकर बारात के स्वागत की व्यवस्था का कार्य करना है। जो आज्ञा प्रभु। सेवक तुरंत प्रस्थान करता है। नारायण नारायण। देखो कितना काम पड़ा है, जाओ शीघ्र जाओ। कहिए देवजी, मंडप देखा आपने, कैसा लगा? महारानी, यदि आप तीनों लोक में दुर्लभ सुंदर शिवजी के दर्शन करती हूँ तो मैं आपसे पूछता कि आपको दूल्हा कैसा लगा? आपके सुंदर मंडप में
अति सुंदर दूल्हा जब सुंदर दुल्हन के साथ प्रवेश करेगा तो जगत की संपूर्ण सुंदरता वहीं थम कर रह जाएगी। अरे आप तो सुंदरता के दर्शन करेंगे ही, परंतु मैं जो यहाँ करने आया हूँ उसका क्या होगा? नारायण नारायण। देवऋषि क्या करने आए हैं आप? मानराज मैं तो यहाँ भगवान श्री हरि विष्णु की आज्ञा अनुसार बारात के स्वागत का प्रबंध देखने के लिए उपस्थित हूँ। मेरा संबंध तो दोनों पक्षों से है, वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों ही मुझे अपना समझते हैं। और आप हैं भी तो दोनों के। देवऋषि बारातियों के स्वागत की सर्वोत्तम व्यवस्था की गई है, अतिथियों के सुख सुविधा के लिए हर प्रकार का प्रबंध किया गया है। हमारे अतिथियों को तनिक भी कष्ट नहीं होगा, आप चाहें तो स्वयं निरीक्षण कर लें। हिमालय राज आपने शब्दों का जो चित्र मुझे दिखाया है उसके पश्चात और मैं क्या देखूं? बारात तो अब तक प्रस्थान भी कर चुकी हूँ। अरे ये बारात है या भूत प्रेत का
वो देखिए अपनी जामाता शंकर जी को श्वेत ऋषभ पर देखिए, कितना सुंदर और अनुपम रूप है उनका। अरे कहाँ है वर राजा, कोई सुंदर है ही नहीं, सब कुरूप ही कुरूप है, सब कुरूप ही कुरूप है। भूत 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 क्या हो रहा है? हो योगी बाबा सन्यासी देख के मर खटवासी, कैसा जीवन साथी चले अपना ले। अब क्या हुआ महारानी, क्यों प्रलाप कर रही हो? प्रलाप नहीं करूं तो और क्या करूं? आप सबने मेरे साथ छल किया है, छल किया है। मुझे शिव का सुंदर रूप सुंदर वर्णन सुनाकर सहमत कर लिया, पर मैंने देखा था उसका भयानक रूप। नहीं नहीं, मैं अपनी भूल सी बच्ची उस भूतनाथ को नहीं दूंगी, मैं अपनी बच्ची उस भूतनाथ को नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। महारानी, इस शुभ घड़ी में ऐसे अपशब्द क्यों कह रही हो? सब अशुभ है, सब अशुभ है। मैं उस भयानक भूतनाथ को अपनी पुत्री नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। नारायण नारायण। व्यथा की कोई बात नहीं है महारानी मैना देवी, शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। वैकुंठनाथ, मेरे मन में, मेरे जीवन में अशांति पैदा हो चुकी है, मैं कैसे शांत हो जाऊं? नारायण नारायण। मैना रानी, शुभ अवसर पर अशांति की चर्चा आपको शोभा नहीं देती। इसका कारण मैं नहीं हूँ देवऋषि, मुझे दिलाया गया विश्वास है जो अब असत्य हो चुका है। महारानी, कहीं कुछ भी असत्य नहीं है। तो फिर सत्य क्या है? अभी अभी मैंने जो शिव का रूप देखा है, क्या वो सत्य है? यदि वो सत्य है तो मुझे स्वीकार नहीं है। मुझे कहा गया था कि वो तीनों लोक से न्यारे हैं, छल किया गया है मेरे साथ। तुम्हारे साथ छल करने से किसका हित होगा मैना रानी? पार्वती, तुम यहाँ क्यों आई हो? ना आती तो क्या करती? तुम इतने ऊंचे स्वर ना निकालती तो मैं यहाँ क्यों आती? मुझे ऊंचे स्वर निकालने का कोई चाव नहीं है पार्वती, पर मैं देखती आंखों से तुझे अंधकार में नहीं जाने दूंगी। तुम्हारी आंखों ने जो देखा वो अंधकार नहीं, भ्रम है, भ्रम। एक बार द्वार पर चलकर देखो, भ्रम दूर हो जाएगा। पर ये भ्रम मुझे ही क्यों होता है, तुझे या किसी अन्य को क्यों नहीं होता? पार्वती अथवा अन्य किसी को कोई शंका नहीं है देवी, और तुम्हें शंका के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता। महारानी, अपनी पुत्री पार्वती की बात मानो और भगवान शिव को शंका रहित मन से देखो, तब सभी कुछ स्पष्ट, सुंदर और श्रेष्ठ दिखेगा। हाँ महारानी मैना, शंका का वर्ण काला होता है, यह मन की आंख पर चढ़ जाए तो सब कुछ काला और कुरूप दिखाई देता है।
आपने क्या मेरे साथ कोई नया छल करने की योजना की है? मैना रानी, क्या मैं तुम्हारे साथ छल करूंगा? वैकुंठपति, आप पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। मैं स्पष्ट कहने की दृष्टता की क्षमा चाहती हूँ, पर सत्य तो यही है कि देवताओं के हित के लिए अनेक बार आपने असुरों के साथ छल किया है। केवल असुरों के साथ, देव और मानव के हित में ऐसा तो मैं भविष्य में भी करता रहूंगा, परंतु तुम्हारा संबंध तो असुरों से नहीं है, इसलिए तुम्हारे विषय में हित की ही बात सोची जा सकती है। और तुम्हारा हित इसी में है कि तुम शिव शंकर के सत्य स्वरूप को जानो और मानो। श्री हरि विष्णु, मुझे अपनी नहीं, अपनी पुत्री पार्वती के हित की चिंता है। क्या मेरी फूल सी कोमल पुत्री पार्वती उस भयावह भूतनाथ? मैना रानी, जिस पुत्री के हित और मोह में पड़कर तुम बार बार भोलेनाथ को अपशब्द कह रही हो, उस पुत्री से भी तो पूछ लो कि उनका रूप कैसा है। क्या हम सब पार्वती का अहित सोच भी सकते हैं? पुत्री के हित और मोह में पड़कर तुम बार बार भोलेनाथ को अपशब्द कह रही हो, उस पुत्री से भी तो पूछ लो कि उनका रूप कैसा है। क्या हम सब पार्वती का अहित सोच भी सकते हैं? यदि भोलेनाथ का रूप विकराल होता तो जगत की चिंता करने वाले श्रीहरि विष्णु स्वयं इस विवाह से चिंतित होते। यदि अभी तुम्हें विश्वास नहीं है तो अपनी पुत्री पार्वती से सत्य जान लो, क्या वह भी तुम्हारे साथ छल करेगी? कभी नहीं। तो फिर पुत्री की बात मानकर द्वार पर चलकर एक बार वर राजा को देख लो। हाँ, एक बार जाके देख लो माँ। देखा तो था। वह जो देखा था अहंकारी मन और शंका की दृष्टि से देखा था, अब अपनी पुत्री के पति, अपनी जामाता और वर राजा के मंगल रूप को देखकर तुम्हें सब कुछ सत्य और सुंदर दिखाई देगा। हाँ मैना रानी, यदि मन और दृष्टि में सुंदरता हो तो सब कुछ सुंदर दिखाई देता है। मैना रानी, जामाता की अगवानी के लिए तुम्हें शीघ्र ही द्वार पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि जामाता की अगवानी में स्वागत स्वयं वधु की माता ही करती है। अब आप विलम्ब ना करें। तुम सब जाओ और जाकर जमाता राजा के तिलक और स्वागत की तैयारियां करो। चराचरपति कैलाशनाथ भगवान शिव शंकर का मैनाक स्वागत करता है। प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। तुच्छ है, फिर मैंने तुम्हारा वो भयानक रूप कैसे देख लिया? कौन था वो? वो तुम्हारे मन का ऐसा भूत जिसने अहंकार के गर्भ से जन्म लिया। तुमने जो देखा वो सत्य नहीं था, और जो असत्य था वही तुम्हारी शंका भ्रम और अहंकार के कारण तुम्हें दिख रही। ऐसा इसलिए हुआ कि रानी होने के अभिमान ने तुम्हें पकड़ रखा और तुम्हारी दृष्टि के घृणा भाव ने। यदि ये जकड़ पकड़ न होती तो मैं तुम्हें पहले भी ऐसा ही दिखाई देता जैसा अब दिखाई दे रहा। अर्थात मेरा ही दोष था। हाँ, लीला मेरी थी और दोष तुम्हारा था। तुम्हारा आशंकित मन ऐसे ही दृश्य और आकृतियां देखने का इच्छुक जो तुम्हारे भ्रम अहंकार और असत्य को संतुष्ट कर सके। जो कुछ तुमने देखा वो तुम्हारी कुशंकाओं का प्रतिबिंब। मेरा दैव युता सुधा मधुमयी
सच्चांतिदा मातृका तद्वद्दैवयुतो हिमाचलयति साक्षात् स्फटिकाल्पिता सार्धं प्रकृति वैभवादि विशदै सारन्दयुक्तैः स्वरैः कथ्यन्ते शिव पार्वती सुखकर भूयात् सदा मंगलम्। आदौ भूतपतिः अऊम मिलितो ओंकार व्याहार्यते एकोहं बहुश्याम भवनतया धातृहरि निर्मितो पश्चाद विश्वसमान प्राकृतजना संपादिताः शंकरैः सोऽयं शैव विवाह्यते च प्रकृतिं भूयात् सदा मंगलम्। शान्तं पद्मासनस्थं शशिधरमुकुटं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं कृपाणं त्रिशूलमपि युतम् दक्षिणागे वहन्तं नागं पाशं च घण्टां डमरुकसहितं चाङ्कुशां वामभागे नानालङ्कारयुक्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि। मलयराज, कन्यादान की विधि पूर्ण करने के लिए कन्या का पिता, वर्षे, उसका कुल, गोत्र एवं पिता का नाम, साथ ही वेद एवं शास्त्र का ज्ञान पूछता है। अतः आप वर्ष से इस विषय में पूछें। जो आज्ञा गुरुदेव। वर राजा, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कृपा करके अपने कुल, गोत्र, पिता का नाम व ज्ञान के विषय में विस्तार पूर्वक बताएं। मौलेराज, ये आप कैसा विचित्र प्रश्न पूछ रहे हैं? वैसा ही देवऋषि, जैसा कन्या का पिता कन्यादान के समय वर राजा से विधि अनुसार करता है। नारायण नारायण। हिमालय राज, ना तो देवी पार्वती साधारण कन्या है, ना ही भगवान शिव साधारण पुरुष। यहाँ ऐसे प्रश्नों की विधि आवश्यक नहीं है। पर देव ऋषि,
कार्य तो विधि के अनुसार ही होगा। ऋषिवर, संपूर्ण कार्य विधि के अनुसार ही हो रहा है। विधि का पालन सुविधा और स्थिरता उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, परंतु यदि विधि असुविधा और अस्थिरता उत्पन्न करती है तो प्रसंग और अवसर का विचार करते हुए उसे एक ओर किया जा सकता है। देवर्षि, आप विधि से परे क्यों जाना चाहते हैं? मेरा वर्षे, कुल, गोत्र एवं पिता का नाम पूछने में आपको आपत्ति क्या है? नारायण नारायण। ऋषिवर, आप इनके पिता का नाम पूछना चाहते हैं जो संपूर्ण जगत के पिता हैं, जिनके होने से पूर्व किसी का होना संभव नहीं हुआ और जिनके होते हुए सब कुछ शेष रह जाएगा, उनके पिता का नाम पूछना चाहते हैं आप? तो सुनो, उनके पिता का नाम परमपिता ब्रह्मा जी भी नहीं बता सकते। मुझे क्षमा करें परमपिता, परंतु क्या आप शिवजी के पिता के विषय में कुछ बता सकते हैं? जानते हैं कि शिवजी के पिता कौन थे? ऋषि गर्ग, गणना का आरंभ तो एक से होता है, एक के पश्चात दो और दो के पश्चात तीन, परंतु आप मुझे ये बताएं कि गणना में एक से पूर्व क्या है? बताएं ऋषिवर कि गणना का अंतिम अंक क्या है? परम सत्ता यदि अपने सगुण रूप में प्रकट हुई है, उसका अर्थ ये नहीं कि वो अपनी निर्गुणता खो बैठी है। महेश्वर सभी कुल गोत्र से परे परात पर ब्रह्म है। ये गोत्रहीन होकर भी सर्वश्रेष्ठ गोत्रवान है, ये कुलहीन होकर भी परम कुलीन है, तथा सर्वथा निर्गुण होकर भी सगुणवान है। इनसे व्यर्थ के प्रश्न पूछना ही व्यर्थ है। ऋषिवर, तनिक अपनी दृष्टि उठाकर देखिए शिवजी के उस मुखमंडल को, उस तेज पुंज को, जिसका न कोई आदि है न अंत है। वो सार्वभौम है, सर्वश्रेष्ठ, परम सत्य, परम ब्रह्म, परम पिता परमेश्वर का भी भला कोई पिता हो सकता है? क्षमा करें, क्षमा, क्षमा करें शिव शंकर, मुझसे भूल हो गई। परमपिता ब्रह्मदेव, श्री हरि विष्णु, मैं रीत विधि एवं औपचारिकता में ये विराट सत्य भूल ही गया था। ऋषिवर, मेरा विचार है आगे की विधि अब आप पूर्ण करें, अधिक विलंब उचित नहीं। अवश्य अवश्य, आरंभ करें। कैसे हुआ? किसने होरे दिया? नहीं 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 नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ। शिव पार्वती का विवाह किसी और के लिए शुभ होगा, परंतु मेरे लिए अशुभ है। शिव पार्वती का विवाह तो हो ही चुका है महाबली, अब क्या करना है इस विषय पर विचार करें। नहीं, नहीं। अब चिंता करने से क्या होगा महाबली? तो मैं क्या करूं? नृत्य गायन करूं, जप तप करूं, या उछल कूद करूं, क्या करूं?
ये सब करने से क्या होगा? कुछ उपाय करो असुरराज। उपाय करो। तुम ही क्यों नहीं कर लेते उपाय? करो। मैं तो केवल बता ही सकता हूँ, उपाय तो आपको ही करना होगा महाराज। तो बताओ ना फिर। शिव पार्वती का विवाह हो चुका है, पर देवी देवताओं को लौटने में समय लगेगा। यही अनुकूल और उचित समय है जब स्वर्ग पर आक्रमण करके उस पर अधिकार किया जा सकता है। हाँ। यदि अविलंब आक्रमण करोगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। सेनापति, सेना तैयार करो, हम इसी समय स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे। आक्रमण हो। वीर दानव, हम नक्षत्र लोक में प्रवेश करने जा रहे हैं। स्वर्ग लोक तो क्या, तुम नक्षत्र लोक में भी प्रवेश नहीं कर सकते। कर सकता हूँ, क्या तुम मेरी शक्ति से परिचित नहीं हो? शक्ति तुम्हारे पास है ही कहाँ? ब्रह्मवश तुम ब्रह्मा जी के वरदान को अपनी शक्ति समझ बैठे हो। तारकासुर की शक्ति पर प्रश्न चिन्ह कौन लगा सकता है? अहंकार में तुम सत्य से दूर हो गए हो तारकासुर। शिव विवाह के शुभ अवसर पर लाभ उठाने की तुम्हारी कुचेष्टा कदापि सफल नहीं होगी। अरे स्वर्ग तो सुरक्षित है धृष्ट दानव, पर तुम्हारे आचरण ने तुम्हें असुरक्षित कर दिया है। तुम्हारा ये अहंकार पूर्ण हास्य तुम्हारी विपदा का कारण बन जाएगा तारकासुर। तुम देवाधिदेव महादेव से टकराने का दुस्साहस कर रहे हो। अरे देवेश्वर को ज्ञात था कि तुम देवगढ़ के विवाह में व्यस्त होने का लाभ अवश्य उठाओगे। तुम्हारे अवरोध की व्यवस्था पूर्व निश्चित है। मेरे मार्ग में आने वाले किसी भी अवरोध से टक्कर लेने का साहस मुझ में है। निर्बुद्धि, तू तुरंत चला जा यहाँ से, अन्यथा तू पृथ्वी लोक कभी नहीं पहुंच पाएगा। चला जाऊं? जिस प्रयोजन से मैं आया हूं उसे संपूर्ण किए बिना ही चला जाऊं? शिव पार्वती के विवाह को संपन्न करा के तुमने शिव पुत्र की उत्पत्ति को संभव बनाया है, अर्थात मेरे वध का आयोजन किया है तुमने। मैं भी तुम लोगों के विनाश का आयोजन करता हूं। वीर दानवों, टूट पड़ो इन मुट्ठी भर ऋषियों पर। Thank you.
वशिष्ठ देख कर रहा है, आ मुझसे युद्ध कर। मूर्तिवत मंत्र से मैंने तुझे स्थिर कर दिया है, देख देख अपनी सेना की विनाश लीला देख। स्थिर मंत्र से मैं मुक्त करता हूं तुझे, अपनी पराजय स्वीकार करके अपने प्राणों की रक्षा कर, जा चला जा यहां से। नारकासुर, असुर सम्राट और पराजय, नहीं नहीं दुष्ट, तू ऐसे नहीं मानेगा, ले ले ये देख। ओम नमः शिवाय। प्रभु, शिव पार्वती विवाह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। अब हमें अपने अपने लोक में लौट चलना चाहिए। देवराज, विवाह तो हो गया, परंतु कुछ विधियां और औपचारिकताएं अभी शेष हैं। हाँ, हमें कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी होगी। नारायण नारायण नारायण। भ्रमण चक्र पूरा कराए नारद? श्री हरि, मैं जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता हूँ तब कहीं जाकर मेरा चक्र संपूर्ण होता है, परंतु आप परम पिता ब्रह्मा जी और त्रिकालदर्शी शिव जी प्रत्यक्ष न जाकर अपनी परोक्ष शक्ति से सभी कार्य बड़ी सहजता से पूर्ण कर देते हैं। प्रतीत होता है कोई नई कथा कहने की तैयारी में हो नारद। कथा नहीं परमपिता, सत्य, परम सत्य, विराट सत्य। भगवान शिवशंकर की कृपा और भक्त वत्सलता देखिए, हम सब यहाँ शिवशंकर के विवाह में सम्मिलित होने आए हैं, और वहां महातारकासुर के अत्याचार से शिवशंकर ने उपस्थित न रहकर अपनी परोक्ष शक्ति से भक्तों की रक्षा की। स्वर्ग सुरक्षित है ना देवर्षि, प्रत्यक्ष न जाकर भी भोलेनाथ अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। देवराज, फिर आप क्यों चिंतित होते हैं? स्वर्ग सुरक्षित है देवराज। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की जय। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की जय। यहां से विदा लेने से पूर्व भोलेनाथ की आज्ञा अवश्य। इस समय वो जन्माष्टमी में देवियों से घिरे बैठे हैं, अब देवियां छोड़ेंगी तब देंगे ना आज्ञा। भोलेनाथ, आप चिंता ना करें, कुछ दिन पार्वती हमारे साथ ब्रह्मलोक में रहेगी, फिर आपके पास कैलाश पर आ जाएगी। ऐसे कैसे होगा, ब्रह्मलोक में रहने के पश्चात कुछ समय के लिए हमारे साथ वैकुंठ में भी तो रहेंगी, हम इन्हें कैलाश पहुँचा देंगे। आप तनिक भी चिंता न करें महेश्वर। आप दोनों मिलकर मुझे चिंतित करने का आयोजन भी कर रही हो, और साथ साथ ये भी कह रही हो कि मैं चिंतित न हूँ, वो तो मैं अवश्य होऊंगा। सुन रही हो देवी पार्वती, कहाँ तो भोलेनाथ ने तुम्हारे बिना युग के युग काट लिए, और आप एक पल भी तुम्हारे बिना रहने को तैयार नहीं है। युग काटे हैं, युग युगांतर के मिलन की प्रतीक्षा में, अब तो ये मिलन विराट और व्यापक सत्य सिद्ध होगा। आप दोनों चिंता ना करें देवी। ब्रह्मदेव, एक एक करके सभी अतिथि जा रहे हैं, अब हमें भी चलने की तैयारी करनी होगी। विदा होने पर ही चलना होगा श्री हरि, हिमालयराज न जाने क्यों बारात को विदा करने में विलंब कर रहे हैं। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कहाँ चले गए थे नारद? आपके चरण और आपकी शरण छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ प्रभु, नारद के लिए अन्य कहीं स्थान है ही कहाँ, मैं तो भगवान भोलेनाथ की लीलाएं मात्र देख रहा। ना देखा करो ये लीलाएं। क्यों?
प्रभु। फिर नारद लीला भी तो आरंभ करनी होगी। नारायण नारायण, वो भी आप देवगण ही आरंभ कराते हैं। मैं तो मात्र उसे मूर्त रूप देता हूँ, वो भी आपकी आज्ञा से, लोक कल्याण के निमित्त। अच्छा नारद, बारात विदा कब हो रही है? हिमालय राज तो शीघ्र बारात विदा करने के पक्ष में ही नहीं, और मैं ये विचार कर रहा हूँ कि शिव पार्वती विवाह हर्ष उल्लास से पूर्ण हो गया है, तो अब देवगणों का अपूर्ण कार्य भी पूर्ण हो जाए तो अच्छा होगा। नारायण नारायण। नारद, तुम सदा सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग करते हो, स्पष्ट कहो क्या कहना चाहते हो? श्री हरि, संपूर्ण जगत जिसके संकेत पर संचालित हो रहा हो, उन्हें भला सांकेतिक भाषा समझने में कठिनाई कैसे हो सकती है? प्रभु, मेरा अभिप्राय यह है कि देवगण तारकासुर के अत्याचार से कब मुक्त होंगे? सभी कार्य यथा समय पूर्ण होते हैं नारद, ये कार्य भी समय आने पर ही पूर्ण होगा। नारद, देवराज इंद्र और देवताओं के प्रतिनिधि बनकर तुम उनके पक्ष में विचार नहीं कर रहे, क्या उन्होंने तुम्हें इसी प्रयोजन से यहाँ भेजा है? नहीं नहीं प्रभु, मैं तो अपने मन की प्रेरणा से कह रहा हूँ। ये तारकासुर के अत्याचार से देवगण की रक्षा करनी ही चाहिए। श्री हरि विष्णु जी, सृजनहार ब्रह्मा जी एवं देव ऋषि नारद, मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। हिमालय राज, सर्वप्रथम आप ये बताएं कि बारात कब विदा कर रहे हैं? उसी विषय में आप सभी से निवेदन करने आया था। इसमें निवेदन कैसा? हिमालय राज, ये तो रीति है, विवाह के पश्चात विदाई तो होती ही है। आज का मुहूर्त शुभ है, यह कार्य आज ही संपन्न करें हिमालय राज। पर मैं तो ये निवेदन करने आया था कि शिव जी, बस अभी बराती और कुछ दिन के लिए हमारा आतिथ्य स्वीकार करने की कृपा करें। नारायण नारायण, हिमालय राज आप पुत्री मोह से मुक्त नहीं हो रहे हैं? देव ऋषि नारद, संतान के मोह से कोई पिता मुक्त नहीं हो सकता। पार्वती का विवाह शिव जी से हो चुका है पर्वत राज, अब पुत्री के प्रति अधिक मोह उचित नहीं, कन्या को तो पराया घर जाना ही होता है। अब आप शिव पार्वती को सहर्ष विदा करें। मैं भी तो यही चाहता हूँ ब्रह्मदेव। फिर बाधा कहाँ है? पार्वती की सखियों की, स्वयं मैना रानी की इच्छा है कि उनकी पुत्री व जमाता कुछ दिन और उनके संग उनके सम्मुख रहें। ऐसा करना मेरे अधिकार में तो नहीं है, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप इस विषय में मेरी सहायता करें। क्या निवेदन है हिमालय राज? आहा, आपके इस नम्र निवेदन में बंधन है, बिछोह की वेदना है और संवेदना भी। जिस भाव भाषा और मुद्रा में आपने अपना नम्र निवेदन प्रकट किया है हिमालय राज, इस समय यदि आप भगवान श्री हरि विष्णु से वैकुंठ और परम पिता ब्रह्मा जी से ब्रह्मलोक मांग लेंगे तो वो दे भी देंगे। जिस सरल सहज और सुबोध भाषा में आपने अपना निवेदन प्रकट किया है, उसे अस्वीकार करने की कठोरता भला कौन कर सकता है ना प्रभु? मैंने सत्य कहा ना परम पिता? नारायण, तुम अपने पिता पर भी अपनी लीला चलाने से चूकते नहीं हो। नारायण नारायण, परम पिता आप भली भांति जानते हैं कि हम सब की लीलाएं शिव लीला के अधीन है। प्रश्न झलक रहा है, क्या तुम कुछ पूछना चाहती हो? अब तो आपकी लीलाएं समाप्त हो गई ना स्वामी? समाप्त? लीलाएं तो अब आरंभ होंगी प्रिय। तो क्या आप अब भी मेरी माता को
भ्रमित और व्यथित करेंगे? नहीं नहीं, मैंने न तो कभी उन्हें भ्रमित किया है न व्यथित। अब तो हम दोनों के बीच सारे भ्रम और संदेह समाप्त हो गए। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया है कि भविष्य में ऐसा कुछ नहीं। पर अतीत में भी ऐसा क्यों हुआ? भावनावश। अर्थात? जैसी जिसकी भावना होती है उसे वैसा ही रूप दिखाई देता है। एक गुरु बालक की माँ को उसका पुत्र सलोना राजकुमार तो एक सुंदर सलोना राजकुमार ही सौतेली माँ को दुष्ट दिखाई देता है। मेरी लीलाओं को समझने की कसौटी भी कुछ ऐसी है। यदि कभी तुम्हारे मन में मेरे प्रति कोई भ्रम? नहीं स्वामी, ना तो मेरे मन में आपके प्रति कभी भ्रम उत्पन्न होगा और ना ही मुझे आपके विचित्र रूप और अनोखी लीला देखने का अवसर मिलेगा। बस तो फिर सब शुभ ही शुभ होगा। नारायण नारायण देवराज इंद्र, आप और यहाँ? परंतु आप तो अरे, आपकी पुकार पर मेरे श्री हरि विष्णु का नाम स्मरण अपूर्ण रह गया, उसे मैं पहले पूर्ण कर लूं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब बताएं आप उन्हें यहाँ? आना पड़ा, आपसे प्रार्थना करने के लिए आना पड़ा। कैसी प्रार्थना? यही कि शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे ये बारात यहाँ से प्रस्थान करे और तारकासुर का अंत भी शीघ्र ही हो। नारायण नारायण, आपकी अधीरता श्री हरि विष्णु और परमपिता ब्रह्मदेव के सम्मुख मैं दूसरे शब्दों में प्रकट कर चुका हूँ। देव क्या हुआ? क्या हुआ? हिमालय राज के निवेदन पर श्री हरि विष्णु और परमपिता ब्रह्मदेव कुछ समय और यहाँ रुकने की अनुमति दे चुके हैं। अब इस विषय में मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। देवर्षि, यदि आप ही हमें इस प्रकार असहाय छोड़ देंगे तो फिर हम किसकी सहायता पे विश्वास करें? आप परमपिता ब्रह्मदेव के पास जाइए, श्री हरि विष्णु के पास जाइए या फिर शिव जी के पास जाइए, वो आपकी सहायता कर सकते हैं, मैं नहीं। वो क्यों सुनने और मानने लगे हमारी बात जब आप ही हमारी बात नहीं सुन रहे हैं? देवर्षि, त्रिदेव तक जितनी पहुंच आपकी है उतनी अन्य किसी की नहीं है। नारायण नारायण, देवराज आप मुझ पर अपनी लीला चला रहे हैं। मैं लीला नहीं चला रहा हूं देवर्षि, मैं तो केवल आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे ये बारात यहां से प्रस्थान करे और तार का देवर्षि। कल तक नन्ही सी बच्ची थी, आज कैलाश पति की पत्नी बन गई। अब ये हिमालय भवन छोड़कर कैलाश चली जाएगी। हाँ, हमारी महारानी अब अकेली रह जाएगी। मैना रानी, पुत्री का विवाह जगत के श्रेष्ठ वर श्री शिव भगवान से आनंद पूर्वक और निर्विघ्न संपन्न हुआ है। पुत्री का आयुष्य सुखमय है, तुम्हें तो इससे अति प्रसन्न होना चाहिए, पर तुम उदास हो, क्यों भला? पुत्री का वियोग ऐसा ही होता है देवी लक्ष्मी, जिस माँ की पुत्री सदा सदा के लिए अपने पति के घर जा रही हो उसके हृदय की क्या दशा होती है यह तो केवल माँ ही जान सकती है। पर यह तो होता आया है और होता ही रहेगा। कन्या को माता पिता का गृह त्याग कर पराये घर जाना ही पड़ता है। पुत्री का भावी जीवन सुखी हो, माता पिता के लिए यही सबसे बड़ा सुख है। दुख ना करो महारानी, हर्ष और उल्लास के साथ पुत्री को विदा करो। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद, तुम यहाँ? क्या करता, मैना रानी का दुख मुझे यहाँ खींच लाया, परंतु आपके दुख का कारण क्या है? पुत्री का वियोग ही दुख का कारण है नारद। नारायण नारायण, मैना रानी, कहीं आप इस कारण तो दुखी नहीं कि भगवान शिवशंकर आपकी पुत्री के लिए अयोग्य वर हैं? नहीं देवऋषि, नहीं, कदापि नहीं। शिव जी तो संसार के श्रेष्ठ वर हैं।
मेरी पुत्री पार्वती उनके साथ सदैव सुखी रहेगी। मेरे मन में उनके प्रति जो शंकाएं थी उसी कारण मैं दुख पाती रही हूँ, पर अब सब कुशंकाएं समाप्त हो चुकी हैं देवऋषि। तो फिर तुम दुखी क्यों हो? प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री को विदा क्यों नहीं करती? तुम्हें पुत्री मोह है और तुम्हारी पुत्री भगवान शिवशंकर पर मोहित है। विवाह पश्चात तुम्हारे मोह का नहीं, इनके मोह का अधिक महत्व है। अतः मोह त्याग कर प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री को विदा करो। मैं मां हूं ना, पुत्री का मोह कैसे त्याग दूं? अपने हृदय के अंश को अलग करके विदा करना असहनीय है। मेरी पुत्री, मैना रानी, पुत्री को सहर्ष विदा करो। हाँ, समस्त देवगण प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब बारात विदा कर दीजिए। अब अधिक विलंब उचित नहीं। नारायण नारायण। चलो मैना रानी। आओ पुत्री। से हम आपको अपने सर सौंप रहे हैं। बड़े लाड प्यार से पली है मेरी बच्ची, उसका ध्यान रखना भोलेनाथ। आप तनिक भी चिंता ना करें, मैं पति धर्म का पालन करते हुए पार्वती के सुख दुख का सदा ध्यान रखूंगा। तो अब चलें भोलेश्वर। जैसी आपकी इच्छा।
की जय, देवी पार्वती की जय, राष्ट्रपति शिव शंकर की जय। हे शिव शंकर, विवाह के इस मांगलिक एवं शुभ अवसर पर हमारी ओर से बधाई स्वीकार करें। नवदंपति को अनेकानेक बधाई हो। शिव पार्वती, दोनों को बधाइयां। अब कैलाश हरा भरा हो जाएगा। हाँ, ग्रहणी से ही घर की शोभा होती है, और शोभा तो ग्रह प्रवेश कर चुकी है। अत्यंत मंगलमय समय है भोलेनाथ। हाँ देवराज, चारों ओर मंगलमय वातावरण है। ऐसी शुभ घड़ी इससे पूर्व इस जगत में कभी नहीं आई। समय परिवर्तनशील है देवराज। हम सभी की मंगल कामना है। क्या आपका दाम्पत्य जीवन सुख एवं समृद्धि से परिपूर्ण हो। आप सभी को अनेकानेक धन्यवाद। विवाह में आकर बारात की शोभा बढ़ाई, पूर्ण सहयोग दिया, मैं आप सभी का आभारी हूं। नारायण नारायण, धन्य है आप और आपकी लीला धन्य है। संपूर्ण जगत का भार उठाने वाला आज स्वयं आभारी है। नारद, तुम्हारा मन किसके भार से भारी हो रहा है? भोलेनाथ, तीनों लोकों में तारकासुर ही सभी के जीवन का भार बना हुआ है। और ये भी अटल सत्य है कि तारकासुर का वध आपके पुत्र के हाथों ही होगा, परंतु तब तक उसके आतंक से देवगणों की रक्षा कैसे होगी? भोलेनाथ, कैसे होगी? नारद, तुम तो दानव मानव सभी में समान रूप से पूज्य हो। जाकर उस तारकासुर को सद्बुद्धि दो, पाप कर्मों से दूर रहने की मंत्रणा दो। दुष्ट, अहंकारी और अभिमानी प्राणी सुबुद्धि से दूर भागते हैं, और सुबुद्धि की मंत्रणा देने वाले को मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, उपाय करने में तुम चतुर हो। यदि फिर भी कार्य सिद्ध नहीं हुआ तो हम अन्य कोई उपाय करेंगे। हर हर महादेव।